होगा कि वो क्या है। ग्लुटाथियोन से क्या स्किन वाइटनिंग होती है, पूरी बॉडी वाइट हो जाती है, या फिर वो काम करता है या नहीं करता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कौन सा ग्लुटाथियोन अच्छा है, इन सब के क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लुटाथियोन की। ग्लुटाथियोन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि ग्लुटाथियोन एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं करता है। जो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ग्लुटाथियोन के इंजेक्शंस, टेबलेट्स वगैरह लेती हैं, और उनकी फुल बॉडी का वाइटनिंग होता है या नहीं होता है, होता भी है तो कितने टाइम के लिए होता है। मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ग्लुटाथियोन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में इसको यूज़ करने की, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कौन से ब्रांड का यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, स्किन वाइटनिंग में ग्लुटाथियोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ग्लुटाथियोन क्या सच में काम करता है या ग्लुटाथियोन होता क्या है। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि मैम इस पर आप बताएँ कि स्किन वाइटनिंग एक्चुअली में इससे होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी कलर है हमारा नेचुरल कलर है वो बेस्ट होता है, बट किसी किसी को ज़रूरत होती है कि वो स्किन वाइटनिंग मीन्स उनको लगता है कि उनका स्किन और वाइट होना चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने स्किन को वाइटन करने के लिए, अपनी स्किन मीन्स फुल बॉडी को वाइटन करने के लिए वो सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है, बट किसी किसी में कम प्रोड्यूस होता है। सबका अपना इंटरनल सिस्टम डिफरेंट होता है ना। किसी की बॉडी में ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन अगर कम है तो उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होगा, अगर ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन अच्छी है तो आपका कलर फेयर होगा ना। ये ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है। कुछ जो हम खाते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है ना। ये ग्लूटाथियोन हेल्प कैसे करता है आपकी बॉडी को स्किन लाइटनिंग में। जो हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट जो होता है किसी किसी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मेलानिन तो आपकी जो कलर है वो डार्क होगा। जब हम सन की तरफ जाते हैं तो आपकी जो स्किन है मेलानिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाता है, इसीलिए हमें डार्क, हमारी जो स्किन है वो डार्क होने लग जाती है ना। जब स्किन डार्क होने लग जाती है तो ये मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस किया, इसलिए हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डल हो गया या डार्क हो गया। और ब्लैक पिगमेंट होता है फ्यू मेलानिन जो आपकी स्किन लाइटनिंग में मदद करता है, मींस जो मेलानिन का इफेक्ट है उसको कम करता है। तो जो ये ग्लूटाथियोन है ये फ्यू मेलानिन को इंक्रीज़ करता है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, ताकि जो मेलानिन की प्रोडक्शन थी उसका इफेक्ट कम हो और आपकी स्किन को ये लाइटन करता है ना। ग्लूटाथियोन बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में आता है। ग्लूटाथियोन को एज ए क्रीम यूज़ कर सकते हैं, एज ए टेबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं ना। जो इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ग्लूटाथियोन को हमें लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में लेने से वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूटाथियोन को लेने के साथ साथ हमें विटामिन सी भी लेना चाहिए ना। फ्रेंड्स, मैंने यूज़ किया यहाँ पे ग्लूटाथियोन 1000 mg, और इसका मैं इफ़ेक्ट दिखाऊंगी कि मुझे क्या इफ़ेक्ट रहा। मैंने इसको यूज़ किया है 15 डेज़ में, और अगर आपके बॉडी सही है तो आपको 15 डेज़ में इसका असर दिखने लगेगा ना। फ्रेंड्स, इसकी टैबलेट्स जो है वो इसमें आती हैं इस तरह से। इसमें 15 टैबलेट्स हैं ग्लूटाथियोन 1000, और इसी के साथ ही एस्कॉर्जेट करके ये विटामिन सी की टैबलेट्स हैं। इसको आपने इसके साथ ही लेना होता है। विटामिन सी जब आप लेंगे तब इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा, और एब्जॉर्प्शन जब अच्छे से होगा तो ये अच्छे से वर्क करेगा। ग्लूटाथियोन 1000 mg, इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है इसमें 15 टैबलेट्स हैं, और ये टैबलेट्स जो होती हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं। इस तरह की पैकिंग में आती हैं। ये 1000 mg का है। ये आप अपने वेट के हिसाब से ले सकते हैं। मीन्स अगर आपका वेट 50-60 से अबव है तो आपको ये 1000 mg की लेनी चाहिए। और इसके साथ ये विटामिन सी भी आता है एस्कॉर्जेट, ये भी टैबलेट्स हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसके साथ ये लेना ज़रूरी है, तो हम इन दोनों को ही यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लेना है गिलास। गिलास में हमने डालना है पानी, और सबसे पहले हम यूज़ करेंगे विटामिन सी की टैबलेट। और विटामिन सी की टैबलेट में जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला पाउडर है। 1000 mg आंवला पाउडर है, और जिंक सल्फेट है 10 mg। So this is pure आंवला extract but in the form of tablet. इस तरह से ये है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो easily dissolve हो जाएगी, इसको कम से कम 1 मिनट लगेगा dissolve होने में। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे ग्लूटोन 1000 mg की 1 टेबलेट। विटामिन सी टेबलेट हमने पहले डाली थी, उसके बाद हमने डाली है ग्लूटोन 1000 mg। और आप देख सकते हैं जिस तरह से बुलबुले निकल रहे हैं और ये डिज़ोल्व होने वाली टेबलेट्स हैं, तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगी। विटामिन सी पहले डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके बाद आपका ग्लूटोन होगा। नाउ इसको कम से कम 2 मिनट लगेगा इन दोनों को अच्छे से डिज़ोल्व होने में। इसको अच्छे से डिज़ोल्व होने दें आप, और ये बिल्कुल एक एनर्जी ड्रिंक के जैसे तैयार हो जाएगा, जिस तरह से हम कोई ऑरेंज का कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, ये जो टेबलेट्स हैं ये हमने लेनी है अर्ली इन द मॉर्निंग, मीन्स खाली पेट आपने लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है। टेबलेट्स ही 20 टेबलेट्स हैं, आपने इसको लेना है, कंटिन्यूस लेना है। 15 दिन तक लेंगे, आपको हल्का सा फ़र्क दिखने लगेगा। और अगर आपको अमेजिंग रिजल्ट चाहिए तो आप इसको कम से कम 4 से 6 महीने यूज़ करें, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी का बॉडी अलग होता है, बॉडी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। रिजल्ट्स देखने के लिए कम से कम इसको 4 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 15 दिन यूज़ किया है, तो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मुझे कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा। आप इसको लें और साथ ही साथ पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, क्योंकि पानी वैसे भी गर्मी है, आपको पीना चाहिए। और अगर कोई भी आप सप्लीमेंट वगैरह भी लेते हैं या कोई भी और चीज़ें ले रहे हैं तो आप पानी ज़रूर पिएँ, ताकि कोई भी किसी चीज़ का भी अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो पानी से वो कम हो जाता है। नाउ फ्रेंड्स, इसके साथ ये एक चार्ट भी आता है जिसमें आपका स्किन टोन दिखता है, तो आप इस चार्ट से जज कर सकते हैं कि आपकी स्किन टोन कितनी इम्प्रूव हुई है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस न कर पाएँ। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।